10 ऐसी बातें जिन पर अमल करने से आपकी अज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की अपने बेटे को खुशगवार अज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए 10 कीमती नसीहतें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने बेटे को शादी की रात 10 नसीहतें फरमाई। बेटा, तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को न अपनाओ, लिहाजा इन बातों को गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। पहली वो दो बातें तो ये कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और वो चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़ह अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो, लिहाजा वक्तन फोक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़ह अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। इस गुमान में ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। याद रखो कि अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। नंबर 3, औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात मर्दों से कोफ्त होती है, लेकिन वो नरम मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती हैं, लिहाजा इन दोनों सिफात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़ुन कायम रहे और तुम दोनों को जहनी सुकून हासिल हो। नंबर 4, औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज्जत मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म, लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। नंबर 5, याद रखो कि घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी ममलिकत के तख्त पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज़ न करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश न करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और उसमें तसर्रुफ की उसको आज़ादी देना। नंबर 6, हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो लाताल्लुक नहीं हो सकती और ना ही उससे ऐसी तवक्को जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा न होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। नंबर 7, बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसी में उसका हुस्न भी है, ये हरगिज़ कोई नुक्स नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भमे गोलाई में खूबसूरत मालूम होती है, लिहाजा उसके टेढ़पन से फ़ायदा उठाओ और उसके हुस्न से लुत्फ़अंदोज हो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से उसको सीधा करने की कोशिश न करना, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर उसके साथ साथ ऐसा भी न करना कि उसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो बहुत मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मोतदिल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। नंबर 8, शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर नवाजिशें करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक, लिहाजा उसकी इस फितरत से ज्यादा परेशान मत होना और ना ही उसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन उसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियां भी है, बस तुम उन पर नजर रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और हुकूक अदा करना। नंबर 9, हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ अय्याम आते हैं, उन अय्याम में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादात में छूट दी है, उसकी नमाजें मुआफ़ कर दी हैं और उसको रोज़ों में उस वक्त तक ताखीर की इजाज़त दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस उन अय्याम में तुम उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ने उस पर से इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी उन अय्याम में उसकी कमजोरी का लिहाज रखते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके काम काज में मदद करो और उसके लिए सहूलत पैदा करो। नंबर 10, आखिर में बस ये बात याद रखो,
कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा, बस उसके साथ इंतहाई रहमो करम का मुआमला करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलकश पोएट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। खुदा हाफिज़।